ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की वजह से राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से ईरान में विमानों और हेलीकॉप्टर के कलपुर्जों की लगातार कमी रही है और ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने इसे रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश से जोड़ दिया है। रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के लिए ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। जानकारी के मुताबिक अब तक हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स तक नहीं मिला है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान की बढ़ती ताकत पश्चिम देशों से लेकर अमेरिका और इजराइल तक के लिए परेशानी का कारण रही है। यूक्रेन युद्ध में रूस को ईरान के ड्रोन सप्लाई की वजह, परमाणु शक्ति का संवर्धन वो कारण है जिसकी वजह से नाटो ताकतें बहुत तनाव में रही हैं। लिहाजा ये भी शंका पैदा हो रही है कि कहीं रईसी की मौत का कारण पश्चिमी देशों में रची गई कोई साजिश तो नहीं है। साजिश की थ्योरी नंबर थी, मध्य पूर्व में ईरान बड़ी शक्ति है और इब्राहिम रईसी इस शक्ति का केंद्र थे। एक ऐसा नेता जिसका अमेरिका घनघोर विरोधी रहा है। रईसी पर अमेरिका प्रतिबंध भी लगा चुका था। ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण टेंशन में भी रहता था क्योंकि मुल्क की तरक्की में ये प्रतिबंध बहुत बड़ी बाधा है। रईसी के नहीं होने पर अमेरिका या पश्चिमी ताकतें मिडिल ईस्ट में खुलकर खेल सकती हैं। 2020 में ईरान के लोगों के लिए हीरो माने जाने वाले जनरल कासिम सुलेमानी की एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई थी और यही वजह है कि ये शंका जताई जा रही है कि कहीं रईसी की मौत के पीछे पश्चिमी ताकतें तो नहीं है। अमेरिका ने रईसी की मौत की वजह किसी तरह की साजिश होने से शुरुआती तौर पर इनकार किया है, लेकिन फुल प्रूफ इनकार अब भी बाकी है। जाहिर है शक की बड़ी गुंजाइश अब भी शेष है। साजिश की थ्योरी नंबर 4, ये रईसी थे जिन्होंने हमास का खुलकर समर्थन किया। ये रईसी थे जिन्होंने यमन के हूथी विद्रोहियों को समर्थन दिया। ये रईसी थे जिन्होंने लेबनान के हिजबुल्लाह का समर्थन किया और ये तीनों मिलकर इसराइल को जख्म देते रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि रईसी के अंत में कहीं इसराइल का हाथ तो नहीं। यह तथ्य है कि हमास को ईरान से समर्थन मिलना बंद हो जाए तो गाजा से लेकर रफा तक इसराइल कब्जा कर ले और यही वजह है कि रईसी की मौत का इसराइल से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। इस साजिश को मजबूती देने के लिए कहा जा रहा है कि अजरबैजान में जब रईसी मौजूद थे उसी वक्त इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने उनके हेलीकॉप्टर के साथ छेड़छाड़ की। इसराइल अक्सर अपने दुश्मनों को विदेशी जमीन पर मारने की साजिश रचता है। मोसाद ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देती है, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात है कि अजरबैजान में मोसाद ही एक्टिव नहीं है बल्कि ईरान के रेवोल्यूशनरी